वहां लाइट क्यों जल रही है? क्यों भाई नींद नहीं आ रही? तुम तो कल रिहा होने वाले हो ना? अरे बैठो 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 बैठो, बताओ आधी रात को क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं काका, 5 सालों से ये जेल ही तो मेरा घर है। मुझे लगता है अब तक मेरी बहन के 2 बच्चे हो गए होंगे। दरअसल मैं उनके लिए कोई अच्छे से नाम सोच रहा था। उनका अब तक नामकरण नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, छोटी मेरे बिना कोई भी अच्छा काम नहीं करती। तुमने क्या नाम सोचे हैं? आप ही कुछ बताइए ना। मैं बताऊं? हाँ काका, ये लड़कों के नाम है और इसमें लड़कियों के, दोनों में से एक एक पर्ची निकाल लीजिए। रघु। रघु, अब इनमें से एक चुनिए। सावित्री। सावित्री मेरी माँ का नाम है। तुम्हारी माँ का नाम है? जी काका। क्यों भाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम भी इसी तरह चुना था क्या? नहीं। तो कैसे? ओम जनकनंदिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीताः प्रचोदयात्। मेरे बेटे का नाम है शिवा, मेरी बेटी का नाम है श्री। इन दोनों के नाम से अभिषेक करना है। हे प्रभु, इनके बेटे शिवा और बेटी श्री पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। श्री रामचंद्र। माँ, आप मुझे पापा से मिलवाने ले जाने वाली थी ना? यहाँ से वहीं जाएंगे बेटा। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। लो प्रसाद लो। बेटी नारियल बिना फोड़े जा रही हो? भूल गई थी, गलती हो गई पंडित जी। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर नारियल सड़ा हुआ हो तो वो अपशगुन होता है। शायद वो दिन ही मनहूस था। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब मेरी माँ ने सवाल किया तो उनके मुंह पर पैसे मारकर कहने लगे कि वो उनसे ऊब चुके हैं। निकल। माँ ने वही पैसे उठाकर उनके मुंह पर दे मारे। चल। माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। वो सारा दिन हमें गले लगा कर रोती रही। माँ। क्या हो बेटा, कौन है ये? ये मेरी माँ है, ये चल बसी। जलवा तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा, तस्मै सुधा नमा। जी मैं चलता हूँ, धन्यवाद। ये क्या किया है? खेत में समाधि बना दी? किससे पूछा तुमने? ये इसकी जमीन है, जो चाहे करे। किसने कहा? इसकी माँ ने जमीन गिरवी रखकर ब्याज पर मुझसे पैसे लिए थे। अब ये तो रही नहीं तो मेरे दिए हुए पैसे कौन चुकाएगा? मैं कुछ नहीं जानता। समाधि हटाओ, मुझे इस खेत को बेचना है। ए, चलो तोड़ दो इसे। प्रधान जी, प्रधान जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ की समाधि को मत तोड़िए, मैं पैसे लौटा दूंगा। ये चुका देगा, इसे एक मौका दीजिए। बाप ने तो इन्हें पहले से छोड़ दिया, अब माँ भी मर गई। ये छोटा बच्चा पैसे कैसे चुकाएगा? खेती बाड़ी करके चुका देगा। ये करेगा? मैं मेहनत करके आपके पाई पाई चुका दूंगा। अगर ये नहीं लौटा पाया तो मैं लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज तो मैं हर साल लूंगा, असल के पैसे ये इन्वॉल्वमेंट में दे सकता है। इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट। अरे हाँ हाँ, जो भी कहते हैं वही। हाँ धन्यवाद। दोस्त, अभी नहा के मेरी गुड़िया रानी सुंदर दिखेगी, है ना गुड़िया? वहां पे देखो चुक चुक गाड़ी। हर, हा, हर, हा, हा। माँ कहती थी आकाश में जो 2 तारे हैं, एक तो है एक मैं हूँ।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। देखना तुम्हारी बहन फर्स्ट क्लास से पास हो जाएगी। जी अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगी। अरे मैंने बोल दिया ना, अब निश्चिंत रहो, ये लो नारियल फोड़ो। ठीक है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अरे इसमें तो फूल जैसा कुछ है। शुभ लक्षण है, मिठाई खिलाना। बहना, ओ बहना। गौरी मेरी पेन दो। ये लो दीदी। थैंक यू। ये क्या? अरे संभल कर। अरे दीदी बुक्स तो भूली गई। अरे बुक्स गिरेंगी, ध्यान से। गिरा दी। उसे टोकेंगे तो वो काम खराब ही करती। हाँ, है गलती हो गई, माफ कर। एग्जाम्स के दिन बुक्स की क्या जरूरत, रखो उन्हें। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नकल करने से अच्छे नंबर आते हैं। भैया चलिए। हाँ चलते हैं। अच्छे से पेपर लिखना। हाँ ठीक है। अव्वल हो गया ना, ठीक है। अरे शिवा इतना समझा रहा है, साथ ही चला जाना। कुछ गलत कहा क्या? और नहीं तो क्या, एक ही बात कितनी बार बोल रहा है। इतना प्रेशर डालेगा तो एग्जाम कैसे देगी वो। क्या बात है यार, खूबसूरती की महक यहाँ तक आ रही है। चल चला जा, जा, जा। ये कहाँ गया? मेरे को तेरे से इश्क लड़ाने का है। शादी के बाद दो चार बच्चे होंगे। कमला को विमला को पीछे छोड़ा है तेरे लिए। जिंदगी भर कुत्ता बन के तेरे पीछे पूंछ हिलाऊंगा मैं। मेरी तो निकल पड़ी, लगता है बाथरूम में बुला रही है। अच्छा गा लेते। अपने गुरुजी का नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम भी सीखने चले जाओगे। लड़कियों को छेड़ने वालों की अच्छे से बैंड बजाता हूँ। अरे बाप रे बाप, बैंड की स्टिक तो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? जादू की छड़ी है, काटो तो खून निकल आता है। ये देखो घुसाऊं क्या? तुरंत काम खलास। तेरा बोल के हो गया? नहीं हुआ। भैया इसने तो आपको चमाट मारा। ये मेरी चाल चेक। अरे भाई फिर से हार गया मैं, लेकिन एक दिन तुझे हराऊंगा जरूर। मैं भी उस दिन के इंतजार में हूँ जब तुम मेरे बेटे को हराओगे, पर ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। शिवा नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। मैंने सुना है तुम्हारी बहन के एग्जाम खत्म होने वाले हैं। हाँ काका। हाँ वो पढ़ाकू तो है ही, अच्छे नंबर लेकर आएगी। हाँ क्यों नहीं, आपके आशीर्वाद जो है। भैया दूध। अरे देखने दो ना। फिर वही तारे देख रहे हो भैया। जानती हो श्री माँ क्या कहा करती थी? यही कि एक तारा आप हो और एक तारा मैं हूँ। सही कहा ना भैया, वो हम दोनों ही है ना। सही। जब ये शादी करके किसी और के घर जाएगी तब इनमें से एक गायब हो जाएगा ना। ए, ये कहीं नहीं जाने वाली। दूल्हे को यहाँ बुला लूंगा और तारे रहेंगे अपनी जगह पर। भैया क्या मैं कल अंडे बाजार में ले जाऊँ? हाँ ले जाना, पर संभल कर। और मैंने इसे कुछ नहीं कहा था, उसे कहा था। ए, क्या है, पूरा दिन कुछ ना कुछ गिराती रहती है। पूरा दिन का
ना, दिन में दो चार बार। नमस्कार शिवा बाबू, कैसे हैं आप? नमस्कार पंडित जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? आपकी ढेर सारी शर्तों के बावजूद मुझे एक योग रिश्ता मिल गया है, वो भी मुश्किल से। कहाँ से आया है रिश्ता? नागपुर से आया है, लड़के के पिता जमींदार हैं। उनका अपना घर है ना? बंगला है। और गाड़ी? बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी चार। इसका मतलब लड़का अमेरिका में है? ग्रीन कार्ड होल्डर है बाबू। ओहो, यानी शादी के बाद मेरी बहन को अमेरिका ले जाए? डायरेक्ट फ्लाइट से। आपने तो बिना कुंडली के पूरा भविष्य बता दिया। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे क्यों, कोई और होता तो झट से हाँ बोल देता, लेकिन आप तो निराश हो गए। गलत मत समझिए पंडित जी, मुझे राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बहन को दिल से प्यार करे, उसका ख्याल रखे। मैं डैडी बोल रहा हूँ बेटा। How are you friend? कहाँ हो इस वक्त? पार्टी कर रहा हूँ डैड। सुनाई दे रहा है मुझे? मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, पार्टी कर रहे हो तो मुझे भी बुला लिया करो, अपने डैडी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हेलो, मैं जानता हूँ तुझे सब सुनाई दे रहा है, जो पैंतरे में तेरी माँ पे यूज करता वो मुझ पे मत आजमा बेटा। सुन रहे हो? राहुल, ठीक है तू पार्टी कर, बाद में बात करते हैं। ये पार्टी की बात बिल्कुल करेक्ट सुनाई थी। लंदन रॉयल ऑर्फनेज में डोनेशन दिया आपने? हाँ, पर कोई बड़ी रकम नहीं दी है, बस 10,000 pounds। 10,000 pounds आपको बड़ी रकम नहीं लगती? वो पैसा आप क्लाइंट को पार्टी देने में यूज कर सकते थे। पता नहीं बिजनेस करने की समझ आखिर कब आएगी आप में। अरे वो अनाथ बच्चों को जरूरत थी तो। भिखारियों की कमी नहीं है इस दुनिया में, ये डोनेशन वोनेशन देना बस एक दिखावा है, एक तरह का ढोंग है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। हाय डैड। क्या हुआ डैड, बड़े सैड लग रहे हैं आप, व्हाट हैपेंड? मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, टेल मी वाइफ प्रॉब्लम्स। हे मम्मा ने बेइज्जती की। थैंक्स। व्हाई? सब जानते हुए पूछ रहे हो? आप तो मम्मा को जानते ही हो ना डैड, अपसेट होने वाली क्या बात है? अरे मैं अपसेट नहीं हूँ, तुझे एक बात बताऊँ, अब तो मैं उसकी सारी बातें एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से। अरे मैं तो इस नॉवल के कैरेक्टर की बात कर रहा था। हेलो। हेलो जीजा जी, मैं इंडिया से श्रीनिवास बोल रहा हूँ, सब ठीक है ना? हाँ भाई, तुम्हारी बहन के साथ बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही। वो तो हर पति की हालत है। तुम्हारा भाई इंडिया से। हेलो भैया, कैसे हैं आप? कोई खास बात? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आने वाली 15 तारीख को ललिता की सगाई होने वाली है। पर ऐसे अचानक कैसे? उसे प्यार हुआ तो मैंने उसे रोका, वो रोने लगी तो मैं पिघल गया। लव मैरिज? लड़का पैसे वाला तो है ना? है ना। नहीं होता तो क्या मैं इतनी जल्दी मानता? तुम सबको शादी के लिए आना होगा, यहाँ हर काम में हाथ बटाना होगा, जीजा को भी लाना। हाय बुआ, मैं ललिता। हाय बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बुआ। राहुल को भी साथ ले आना, उसे बचपन में देखा था। हाँ हाँ, जरूर ले आऊंगी। राहुल सुनो। यस मॉम। इंडिया जाने की तैयारी करो। इंडिया? इंडिया जाना है? आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे? यूएस में एक जरूरी मीटिंग है, भूल गए क्या? ओ, हाँ याद आया। ड्राइवर बस यहीं रोक दीजिए। ललिता। क्यों बेटा, कैसी हो तुम? भैया चॉकलेट। धन्यवाद। क्या बात है, दुल्हन आई है? दुल्हन आई है? कब है तुम्हारी शादी? इसी 15 को। अच्छा, मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे? हाँ भैया, आप दोनों को शादी में आना ही होगा। हाँ, हम दोनों तो 2 दिन पहले ही आ जाएंगे। क्या, 2 दिन पहले? नहीं नहीं, मैं तो इसे अभी ले जा रही हूँ। अभी? और नहीं तो क्या। ए, मुझे तेरी शादी में कितने दिन पहले आना चाहिए? अब वो मैं क्या बताऊँ तुझे, तू भैया से ही पूछ। तू भी ना। भैया आप ही बताइए, इसकी शादी में मैं कितने दिन पहले आऊँ? कम से कम शादी के 15 दिन पहले, है ना? मेरी शादी को भी 15 दिन बचे हैं। मैं भी तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, इसे भेजिए ना मेरे साथ प्लीज। दरअसल बात ये कि मैं इतने दिन इससे दूर आज तक कभी नहीं रहा हूँ। रही तो वो भी आपके बिना नहीं है, मान जाइए ना भैया, भेजिए ना इसे प्लीज 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 ना भैया। ए बहना, तुम जाना चाहती हो? आप ना कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी।
ठीक है जाओ। संभल कर जाना। बागा नहीं ले आया, पहचाना? आ, 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 पहचान कौन? बंटे! अरे ये ब्यूटी नहीं बीस्ट है, ये मेरी दूर की बुआ है। मैं उसी बुआ जी की बेटी हूँ। बाप रे! सुन, मैंने सुना है कि लंदन में बच्चा हंसता और रोता इंग्लिश में, सच है क्या? काफी रिसर्च कर रखा है तूने। शुक्रिया। ये मस्कीटोस इस देश में कितने मच्छर कितने चाहिए तुझे, क्यों लंदन में नहीं मिलते? नो धत तेरे की, मुझे लगा एडवांस कंट्री है। कोई बात नहीं, मैं सूटकेस में भर के दूंगा, लेके चले जाना है। बंटी, ये लड़की कौन है? लल्ली। लल्ली? लंदन से आया तो मुझे एयरपोर्ट लेने भी नहीं आई, अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही? वाव, इतनी सुंदर कैसे हो गई? पता होता तो तुझे मॉडलिंग के लिए लंदन बुला देता यार। याद है बचपन में मैं तुझे कितना परेशान करता था? तेरी शादी के बाद तो मैं तुझे परेशान नहीं कर पाऊंगा, अभी कर लूं। मैं ललिता नहीं हूं। व्हाट? मैं उसकी दोस्त हूं। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना, इतनी देर से चुप क्यों बैठी थी? अरे मेरे मुंह में फायर थी। इट्स ऑलराइट, इस उम्र में सब बहक जाते हैं। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। आई अंडरस्टैंड रियली। पैर मत पड़ो यार। अरे राहुल, तुम कितने चेंज हो गए हो। लल्ली, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन। ये ना मेरी, हां जानता हूं तेरी दोस्त है, मुझे लगा तू है और मैंने। लल्ली, राहुल, ए उसे ये सब पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है? ललिता, यहां आ रही हूं मां। ओए चल ना। हां चल। मैं राहुल हूं, पूरा बंदर दिखता है। बाय द वे, तुम्हारा नाम मुझे पता है, तुम नहीं बताओगी। मेरा नाम है राहुल, मैं आज ही लंदन से आया हूँ। जनरली लोगों को लगता है फॉरेन में पले बड़े लड़के एक नंबर के कमीने होते हैं। वो यहाँ आते हैं, लड़कियाँ पटाते हैं, उन्हें बाइक पर घुमाते हैं, अपना काम निकालते हैं, एक्स वाई जी और फ्लाइट पकड़ कर वापस अपनी कंट्री लौट जाते हैं, है ना? बिल्कुल सही सोचते हैं, मैं भी ऐसा ही लड़का हूँ, तो बच के रहना, समझी?
चीनी कहाँ रख दी? जाके चीनी ले आ। कौन है? ऐसे चिल्लाई जैसे भूत देख लिया हो। मुझे लगा वही बंदर होगा। कौन बंदर? अरे वही जो लंदन से आया है, इम्पोर्टेड बंदर। अच्छा वो क्या, लंदन में पड़ा बड़ा है ना? लंदन में पला बड़ा है तो क्या, तमीज नहीं है उसको? गलती उसकी नहीं है, उसके माँ बाप की, जिन्होंने संस्कार नहीं दिए। चुप क्यों हूँ? अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? तो जानती है ये कौन है? जानती हूँ, ललिता की कोई बुआ है। जिस बंदर की तुम बात कर रही हो ना, ये उसकी माँ है। चाय में चीनी कम है। अब ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जेपी बोल रहा हूँ। फूटी किस्मत मेरी जो तुझे मेरा दोस्त और पार्टनर बनाया। क्या हुआ, मुझे सुबह सुबह इतना कोस क्यों रहा है तू? क्या लगा रखा है बे? बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, शादी होने वाली है। मुझे क्या समझा है, शादी में तरह तरह के काम होते हैं, तूने मुझे बताया तक नहीं, ये चीटिंग है। तो बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ आ जा, तू परिवार वाला है, परिवार। अरे इतने पागलों में, अरे हेलो, तू एक और सही आ जा। अभी अभी खबर मिली है, मैंने सुना तुमने मुझे बंदर कहा। नहीं तो, इम्पोर्टेंट बंदर कहा था। क्यों कहा? सॉरी, बल्कि गोरिल्ला कहना चाहिए था। किसी ने बुलाया मुझे? अरे वो मैं। ए हटो, अरे ऊपर जाना है मुझे। हाँ ठीक है, हाँ। देखो मेरी बहन, ये है जेपी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मेरा पार्टनर, 20 साल से सेंट्रल मिनिस्ट्री में है। ये लड़का कौन है? ये मेरा भांजा है। तो मिलवाना है यार। लड़का ही लड़की है। के यो ये ये, अरे क्या कर रहे हो? हाय, आई एम डॉली। हे, लेट्स डांस। व्हाई नॉट? हे, नो आइडिया। इंडिया में खूबसूरत लड़कियां और सारीज की कोई कमी नहीं डैड। कलरफुल। या Okay, Dad. You take care of yourself. I'll call you, okay? Bye-bye. तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ए, ये तुम्हारा रूम नहीं है। चलो निकलो। I'm sorry. गलती से मैं तुम्हारे कमरे में आ गया। वैसे वैसे तुमने कुछ देखा तो नहीं? No, no, nothing. Just go. Good, good. Okay. Hey, nice horse. ए, उसे छूना मत, खबरदार। ए, प्लीज वापस दे दो। दो ना। दो। ये मेरे भैया ने मुझे दिया है, प्लीज। भैया ने तुम्हें दिया है? छोटू डाउट है, मैं तुम्हें रोज रोज छेड़ता हूँ, कोई और लड़की होती तो अब तक मैंने दो चार थप्पड़ खा लिए होते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब something nothing। ए, तेरा टॉवल कहाँ है? मिल गया टॉवल। लगता है मेरे एब्स देख के आंटी बेहोश हो गई।
अच्छा ऐसा, या तो हंसो या बात कर लो। हेलो हेलो, ये तेरे जैसा ही कोई था, फोन लगा के बात करना भूल गया, बोलो। अरे तेरा भांजा है ना, वो बहुत ही हैंडसम है। हाँ मुद्दे की बात करना। मेरी बेटी है ना डॉली, और तेरा भांजा, दोनों को मंडप में खड़ा करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। मेरी जो बहन है ना, बड़े बड़े ख्वाब हैं उसके। ठीक है मैं उसे तो किसी तरह मना लूंगा, लेकिन एक काम कर, अपनी बेटी को बोल किसी तरह राहुल से दोस्ती बढ़ाए। समझो काम हो गया, मेरी बेटी मुझ पे ही गई है। बिना बोले शुरू हो गया। हाय। राहुल, ये पेंसिल नहीं है, तुम्हारे लिए रोज है। और मुझे इसी बात का अफसोस है। You're silly. I know. वैसे इतना लंबा ईमेल किसे भेज रहे हो? मेरे डैड को। तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो। Of course. क्यों? तुम अपने डैड से नहीं करती क्या? मैं तो हर हफ्ते उनके लिए हलवा बनाती हूँ। हलवा? Even I love हलवा। तुम क्या बना रही हो? हलवा। अरे तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। इट्स ओके, अपने काम से मतलब रखो। वेरी शुगर? थैंक यू। किसके लिए बना रही हो? जिसे मैं पसंद करती हूँ। बहुत भारी है। इडियट। विश यू द सेम। ललिता, अरे वो तो नमक है। ए, तुम नमक, क्या हुआ, रोका क्यों? अपने काम से मतलब रखो। राहुल, राहुल को खिलाने वाली है, मैं अभी। अपने काम से मतलब रखो राहुल। अब इसको क्या हुआ? हलवा मेरे लिए? तुम्हें पसंद है ना, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। इसमें दूध, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश और ढेर सारा प्यार डाला है। थैंक यू। सॉल्ट एंड शुगर शुरू होते से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना, ज्यादा मत खाना, नहीं तो हो जाएगा तेरा पेट खराब, लंदन वाले को होगा जुलाब। ए, पेट खराब होगा, ज्यादा नहीं खाना, नहीं खाना। क्या हुआ? और बेटे जेबी अंकल, लगता है मेरी बेटी ने मनाया। अंकल पहले आप खाइए। नहीं नहीं तुम खाओ ना यार। अंकल मेरी खातिर पहले आप खाइए प्लीज। कितना संस्कारी लड़का है ये। अच्छा है ना डैडी? कैसा लगा डैडी? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या देख रहा है? अरे थोड़ा राहुल को तो दीजिए ना। मैं नहीं दूंगा। ये क्या, सब अकेले ही खा लोगे या मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगे? और फुट लो, खाओ ना यार। अरे वाह, सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए रखे हैं। कोई दोस्त हो तो तेरे जैसा। यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। बहुत टेस्टी है ना अंकल, बस थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है ना। तुझे पता था तो पहले तूने क्यों नहीं कहा, ट्राई कर भी कहा। मैं रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। क्या हुआ डैडी? सुनो बेटा, खाना वाना रहने दो, कोई और पैटर आजमाओ तुम। डॉली, हलवा बनाना तुम्हारे बस का नहीं, तो कोई और टैलेंट दिखाऊं क्या तुम्हें? ऐसा लगता है ये उस बिना पूछ वाले बंदर का है। अब आएगा मजा। मुझसे पंगा मत लेना, वरना जितने बाल है सब नोच दूंगी, समझा? अगली बार मुझे परेशान किया ना तो सच में भैया की कसम तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। हुँ? 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 हुँ?
राहुल को देखा क्या? मुझे नहीं पता, वो यहाँ तो नहीं है। यहाँ हो तुम? नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। नॉटी बॉय। शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम कहीं मत जाना, तुम्हें उनसे मिलवाना है। ये निम्मी है, ये अनीता, ये सरिता, ये नमिता और ये हिंदू। ये है टी-शर्ट, ये है निक्कर, ये है स्लीपर, ये है छिलका। आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस। मुझे दो, मैं राहुल को खिलाती हूँ। ए, तो बैठना यहाँ पर, जब देखो तब काम करती रहती है। So sweet, thank you. मैंने नहीं बनाया फिर भी अच्छा लगा। इसीलिए अच्छा लगा। मुझे भी खिलाओगी? Stupid. तुम लोग भी खाओ ना। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? राहुल। हाँ, राहुल के डैडी लंदन के अरबपतियों में से एक हैं। उनके पास बड़ा मैंशन, हजारों एकड़ का एस्टेट, चार मर्सिडीज, एक सॉफ्टवेयर कंपनी और एक चार्टर प्लेन भी है, और ये सिर्फ आधी जायदाद है। तो तुम्हारे पास कुछ कम है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे डैडी का बिजनेस भी 100 करोड़ का है। 100 करोड़ जरूर बिकने वाला होगा। रिलैक्स, रिलैक्स। हाँ तो मैं कहाँ थी? राहुल। हाँ, राहुल राजकुमार है और मैं एक राजकुमारी हूँ। यहाँ जो भी बैठे हैं सब अमीर हैं। व्हाट अबाउट यू? मैं भी बहुत अमीर हूँ। अच्छा, कितनी अमीर हो? गांव में मेरा एक छोटा सा घर है, 10 एकड़ की जमीन है, 4 बैल हैं, 25 गाय हैं और 40 मुर्गियां हैं, और इन सबसे ऊपर मेरे भैया हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए यही करोड़ों की जायदाद है। बाय राहुल। बाय। हे राहुल, ऐसे टुकुर टुकुर किसे देख रहे हो? श्री को देख रहा हूँ, इसके बारे में रोज कुछ नया अच्छा लगता है। Why? वो अलग है यार। I don't like this. अरे शिवा, तेरी बहन की पढ़ाई पूरी हो गई, इस साल उसकी शादी करवा दे। वो तो अच्छा रिश्ता आएगा तभी होगी। मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, अमेरिका जाकर जब मैंने और पढ़ाई करने के लिए कहा तो उसने कहा मैं गांव में ही रहकर खेती करूँगा। ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं, आपकी किस्मत अच्छी है। अरे पर ऐसी किस्मत का मैं करूँ क्या, उसके लिए रिश्ते तो रोज आते हैं, लेकिन वो कहता है कि शादी करूँगा तो केवल शिवा की बहन से, वरना करूँगा ही नहीं। क्या हो गया शिवा, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मुझे तो नहीं है, लेकिन श्री से पूछ लेता हूँ। अब उससे क्या पूछना? सिर्फ उसी से नहीं, मास्टर जी से भी पूछना होगा। तुम्हारा मतलब स्टेशन मास्टर? उसे तो सिर्फ ट्रेन को झंडी दिखाना आता है, वो क्या बताएगा तुम्हें? 200 टन की ट्रेन भी मेरे इशारे के बगैर नहीं चलती। आप इस गांव के मुखिया हो गए, पर मैं इस परिवार का। मास्टर जी की ट्रेन भले लेट हो जाए पर ये सही वक्त पर आते हैं। ठीक है, आप लोग बात कीजिए। इतनी जल्दबाजी भी क्या है, बिटिया आ जाए, उससे पूछ कर फैसला कर लेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। सगाई के शुभ मुहूर्त में तू इतना रो क्यों रहा है बे? मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी, वो लंदन चली जाएगी मुझे छोड़कर। तू श्योर है ये शादी हो जाएगी? ये देखो, मैंने तो उनकी टिकट भी निकाल के रखी है। आप सब शांत हो जाइए और मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए। अब मैं शादी का निमंत्रण पढ़ूंगा। हेलो, श्रीनिवास राव जी की कन्या। क्या बोले? जजमान के श्रीनिवास राव जी की कन्या। मुंह से बोलो। जजमान के श्रीनिवास राव जी की कन्या। पागी का तो पढ़िए पंडित जी। हाँ तो के श्रीनिवास राव जी की कन्या। चुप हो जाओ बेवकूफ। कहीं रुक क्यों गए पंडित जी? तो कहा रुकने के लिए। चालू रखो। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तुम कब शादी कर रही हो? तुम्हें उसे क्या मतलब? शादी करनी हो तो मेरा एक खास दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां, 4 बैल और कुछ घोड़े भी हैं। एकदम परफेक्ट मैच। कॉफी, कॉफी। कितने बजे हैं? मेरे पास घड़ी नहीं है। तेरे पास दिमाग भी नहीं है? अब पता चला। दीदी क्या बात है, आपके आने से पार्टी की रौनक बढ़ गई है, 4 चांद लग गए हैं। आपके चेहरे की चमक के सामने ये लाइटिंग भी फीकी लग रही है। कभी भरोसा मत करना उस पे, एक नंबर का झूठा है वो। फोन पे बात धोखा दे गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। दीदी यहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बस एक चीज की कमी रह गई। ये देखिए छोटा सा तोहफा। ये क्या है? नेकलेस ही तो है भाई साहब, ये बहुत महंगा लग रहा है। नहीं, 25 लाख का ही है। झूठ बोलकर ऐसे मस्का लगाकर कुछ नहीं होने वाला, तेरी दाल नहीं गलने वाली। इसकी क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं दीदी,
दोनों को साथ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दहेज में अपना सब कुछ दे दो। रिश्ता जोड़ा तो पछताएगा तू, बोल रहा हूँ मैं। Hi, this is Rahul, my boyfriend. Yes. Come, Rahul. Hi, everyone. Hi. मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था। Hi, भाई है। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ ना। बोलो तो गले भी लग जाओ। Hi. Stupid. छी-छी. कहीं पर भी चलेगा। बोलो ना। हनीमून प्लानिंग कब आप? हाय हाय हाय, हाउ आर यू? हाय ए श्री, यहाँ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। श्री, ये है कविता और ये है बबीता। हाँ, हेलो। तो इनसे बात कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसे खोर क्यों रहे हो? ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ साइड में चलो। हाँ, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज चलो। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। लोग देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे लोग कुछ ना सोचे इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे ड्रेस का हुक खुला हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती। तुम्हारी पीठ पर एक सुंदर दिल है, अब भरोसा हुआ कि नहीं? ए, लल्ली, श्री तुझे बुला रही है। एक मिनट। हाँ श्योर। और जीजा जी, क्या हुआ? मेरी ड्रेस का हुक खुल गया है, मुझे ये पहनना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना, हो गया। हाय, तुम मुझे ढूंढ रही थी ना? मैडम, आप मुझे ही ढूंढ रही थी। बस यही कहना था कि तुम इतने बुरे बंदर भी नहीं हो। देखो, अगर ये बंदर तुम्हें अच्छा लगने लगा है तो समथिंग समथिंग की शुरुआत हो सकती है। हाँ, नथिंग, कुछ भी शुरू नहीं होने वाला। समथिंग समथिंग नथिंग नथिंग समथिंग नथिंग। अरे मम्मी बिल्ली, क्या शक्ल बना रखी है? अरे अरे अरे, छोड़। कैसी हो जाने मन, अगर चाहती हो राज राज ही रहे तो मुझसे मिलने आ जाना। ललिता, can we? You and me. Something, something. You and I. Something, something. कॉलेज के टाइम पे मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा था। मैंने उसे लव लेटर्स लिखे थे, पर असलियत जानने के बाद मैंने इससे बात करनी बंद कर दी। अब वो उन लेटर्स के साथ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है कि ये पैसे और गहने लेकर उसके घर जाए, वरना वो उन लेटर्स को इसके पति के घर पहुंचा देगा। ये था समथिंग समथिंग। मुझे लगा कि तुम शायद इस प्रॉब्लम को समझ पाओगे, इसीलिए मैंने किसी और को ना बता के तुम्हें बताया। डोंट वरी, मैं जानता हूँ वो लेटर्स हमें कैसे मिलेंगे। यही उसका घर है। लगता है वो घर पर नहीं है, वो वापस आए, उससे पहले लेटर्स लेके निकलते हैं, जल्दी। टोकी, टोकी, पर अभी सो रहा है। तुम उस तरफ जाओ, मैं आ जाता हूँ। हमें अब
भागना चाहिए ना फुल स्पीड में। बाल बाल बचे, तुमने बाथरूम का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? अब हम यहाँ बंद हो गए तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था जोर से चिल्लाने के लिए आ करके, वो याद नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं, सब तुम्हारी गलती है। रुको, वो शैम्पू की बोतल दो। तुम्हें इस वक्त नहाने की सोच रही है? अरे अरे क्या कर? अब देखो इसको कैसे भगाता हूँ मैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो और मुझे यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढो। एक मस्त आइडिया, तुम दरवाजे से बाहर भाग जाना। डॉगी तुम्हारे पीछे आएगा और फिर मैं ये लेटर्स लेकर फुल स्पीड में भाग जाऊंगा। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, एकदम सीरियस प्लान है। तो फिर पहले तुम जाओ। ओके। अरे सुनो, अगर उसने काट लिया तो? I like it. Please take your seat. हाँ, मेरे सिर पे रख दो, रखो ना, पीछे हो जाओ पैर। अब क्या करें? तुम गाना गाओ। मैं गाऊं? मैं इतना अच्छा गाता हूँ क्या? नहीं, बेसुरी आवाज से ये डॉगी यहाँ से भाग जाएगा। बेवकूफ हो क्या? ये क्या किया तुमने? अरे अकल नहीं है क्या? बंद करो, ऐसे मेरे कपड़े भीग रहे हैं। बंद करो, बंद करो। अब नहीं भीगोगी। फोन। एक्सक्यूज मी। हे लीजा, हाउ आर यू? आई मिस यू टू। आई मिस यू। आई एम इन द शावर। आई कॉल यू बैक। बाय स्वीटी। मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने पूछा क्या? मुझे लगा जानना होगा। मुझे उससे क्या? वैसे कितनी है तुम्हारी ऐसी गर्लफ्रेंड्स? टोटल 15 है तुम्हें मिलाकर। ओह, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं हूँ। लड़कियाँ जो कहती है हमेशा उसका उल्टा ही चाहती है। ओह, तो फिर मैं हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन देखो, मेरे लिए दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की मदद करना। ओके, पार्टी में तो कितने सारे यंगस्टर्स थे, लेकिन तुमने सिर्फ मुझसे आकर मदद क्यों मांगी? मुझे फ्रेंड मानती हो ना? फ्रेंड गर्ल तो हुई ना गर्लफ्रेंड। हाँ, लेकिन मैं वैसे वाली गर्लफ्रेंड नहीं। हम लड़कों की कई गर्लफ्रेंड्स होती है, लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सच्चे दिल से प्यार एक ही इंसान से होता है। मैं भी किसी से सच्चा प्यार करता हूँ। वैसे तुम भी किसी को चाहती होगी ना? कौन है वो? शावर बंद हो चुका है। मुझे तो पता ही नहीं था। अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। आइडिया। क्या हुआ? तुम वहाँ खड़ी रहो, मैं इस तरफ से दरवाजा खुलूंगा और डॉगी को अंदर बुलाऊंगा। जैसे ही वो अंदर आएगा हम उस तरफ से बाहर निकल जाएंगे। मजा आएगा। पहले क्यों नहीं बताया? तुमसे गरीब आने का मौका ऐसे कैसे गवा देता? Get ready. Hey, relax. Take it easy. वो लेटर से देवरदान। नहीं नहीं, मुझे मार दो प्लीज। Hey, इसे मत मारो, मुझे मारो प्लीज। नहीं नहीं, मुझे मार दो। रुक जा, मेरी बात सुनो, गन को नीचे रख दो प्लीज। मुझे मार दो। अरे गन नीचे रख। ये गन खाली है। गन खाली है तो ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करता है कमीना। आइंदा किसी लड़की को परेशान करेगा? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? सॉरी लल्ली। गॉड, ए क्या तुम भी? लेट अस गो। हां दे रहा हूं, हम ले आए हैं। तू ना तुम्हारी वजह से मैं बदनाम होते होते बच गई। थैंक्स यार। मुझे नहीं इसे कहो। नहीं, इसे कहो। ये सारा आइडिया इसी का था, तो प्लीज थैंक्स, इसे ही कहो। नहीं, इसे कहो। ओके ओके, तुम दोनों को थैंक्स। ठीक है ना, दोस्ती में क्या थैंक्स। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा।
गुड नाइट। गुड नाइट। अब चलो। इट्स ओके। शुक्रिया। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। राहुल? तुमने मुझे बुलाया? बोलो। फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके 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 ओके। जूस ले ले। थैंक्स। कुछ फूटने की आवाज आई। ग्लास फूट गया। जाओ जाकर बॉल ले आओ जल्दी। आ गया। अरे लूजर। अब बताओ अब कौन लूजर है? प्लीज डोंट टच। बहुत आज तो हमने क्या हराया उन लोगों को। ये एक्सक्यूज मी, वो मिट्टी वाला घोड़ा तुम्हारा था क्या? हाँ। ये बॉल लगने की वजह से बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे श्री, ये खिलौना तुम्हें बहुत प्यारा था ना, इसके टूटने से तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। ये खिलौना मुझे मेरे भैया ने दिया था, इसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था, सोचा नहीं था कि ये कभी इस तरह से टूटेगा। प्लीज रो मत, प्लीज चुप हो जा। मुझे भैया की याद आ रही है। तारे गिन रही हो क्या? चलो मैं मदद कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कैसे मनाऊं इसे? मैंने इसे खास तुम्हारे लिए जोड़ा है। हाँ, इसमें अभी कुछ निशान है पर मैंने थोड़ी सजावट करके उन्हें छुपा दिए हैं। अगर सजावट पसंद नहीं आई तो निकाल सकती हो। पसंद आया? सच में पसंद आया ना? थैंक यू राहुल। तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला तो मैं खुद को थैंक यू बोल के खुश हो गया। चलता हूँ। बुलाया मुझे? हाँ? इतना सब कुछ क्यों किया यही पूछना था। सच जानना? तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखता हूँ ना तो मुझे खुशी महसूस होती है। बस यही बात है? हाँ? पक्का यही बात है? हाँ? समथिंग समथिंग नहीं था? व्हाट? अरे क्या है? आपके और दीदी के बीच में कोई आ गया है। किसकी मजाल है जो हमारे बीच आ जाए? आप आइए मेरे साथ और खुद चलकर देख लीजिए। देखिए वो तारा,
हाँ तारा है तो क्या हुआ? ये तारा आप हैं और ये तारा दीदी हैं। अब बीच में ये तीसरा तारा कौन आ गया है? ए, ऐसे छोटे मोटे तारों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जा जाके सो जा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तो फोकट में परेशान हो गया था। एक तारा है दीदी, एक तारा है मालिक, तो ए, तारे क्यों गिन रही है? सोच रही थी ये दो तारों के बीच में ये तीसरा तारा कौन है। वो तारा तू नहीं है, जा सो जा। मैं नहीं हूँ तो कौन है? ए, शादी हो रही है तेरी, ये चश्मा पहनना जरूरी है क्या? ये तो सुहागरात के टाइम पे भी पहन के रखेगी। चुप कर, रात में जो काम होगा उसमें चश्मे की क्या जरूरत है? ये कोई उम्र है इनकी इस तरह की बातें करने की? वैसे इस उम्र में तो बात ही हो सकती है ना। बुआ जी भी कम शरारती नहीं है। आप भी ना। एक किस तो ना, और अगर दे दी तो? अगर दे दी तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सबर रखो। शुभ काम में देरी किस बात की? राहुल सब श्री प्लीज। राहुल प्लीज नहीं, प्लीज नहीं राहुल, प्लीज नहीं राहुल, राहुल नहीं राहुल, सॉरी सदा खुश रहो बेटा। मामा आपने कभी मुझ पे हाथ उठाया? ये तुझे क्यों मारेगी भला, पिटाई तो तेरे बाप की होती है। मामा प्लीज आई एम सीरियस, बताइए माँ। नहीं नहीं मैं क्यों मारूंगी तुझे? थैंक्स। अरे इसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? इसे आशीर्वाद तो दो, कब से खड़ी है। हाँ, खुश रहो बेटा। हाय माय फ्रेंड, हाउ आर यू? अभी मूड ठीक नहीं है। टेल मी, बचपन से अब तक आपने कभी मुझ पे हाथ उठाया? Hey, come on, ये कैसा सवाल है? तुम्हें मारने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? अरे लेकिन बात क्या है बेटा? थैंक्स डैड, मैं बाद में फोन करता हूँ। हल्दी लग जाए तो उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। जमाना चाहे बदल गया हो लेकिन रिवाज तो हमेशा रिवाज ही रहते हैं। इनकी अलग खुशबू होती है। क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है। इसे क्या खाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पता नहीं आज सुबह से ही अजीब सा बर्ताव कर रहा है। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, गलती से लग गया था। अगर तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो, सिर्फ किसी नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ए, रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें मैंने दर्द दिया इसलिए। आंसू पोंछो। तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें रोता देख मुझे रोना आ गया, पता नहीं क्यों। गलती तो मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो, एक्चुअली गलती मेरी है। आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं श्री, कहा ना मैंने गलती मेरी। तुमने क्या गलत किया? मुझे एक किस करोगे ना और किसे किस करोगे? नहीं श्री, मुझे तुम्हें वक्त देना चाहिए था। आई एम एन इडियट। आई नो। कैसे पता होता तुम यहाँ पले बड़े नहीं? बताना चाहिए था ना ये गलत बात है। सुनो राहुल, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, मैं भी। ए, तुम दोनों को क्या लगा, मुझे कुछ पता नहीं है क्या? लली प्लीज, मेरी नजर तुम दोनों पर कब से है? शादी मेरी हो रही है और सेटिंग तुम दोनों की चालू है। छोड़ दो ना प्लीज, मेरी शादी के बाद तुम दोनों की शादी। ए,
What a beautiful flower. Hmm. A rose is a rose is a rose. No, Malayak. And a... जल्दी से सारा सामान अंदर रखो वरना गाड़ी छूट जाएगी। अरे वाह, तैयारी तो ऐसी की है जैसे श्री की शादी हो। इसलिए कि श्री का तो भाई है लेकिन ललिता का भाई नहीं है। चलता हूँ मैं। सजी आप ये भूल गए। ये क्या? ये फूल दीदी के लिए। घर ठीक से संभालना। अरे अरे जल्दी करो, बारात आने वाली है। तू यहाँ मुलट का क्यों खड़ा है? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तू गुस्सा है क्या? हाँ हूँ ना। तुम मुझे और मेरी बेटी को सीरियसली नहीं लेते। खड़े खड़े बकवास मत कर, बारातियों का स्वागत कर। तुमने मुझे शादी में क्यों बुलाया? जूठे बर्तन साफ करवाने। ऐसा किसने कहा? किसी ने नहीं, मुझे लग रहा है। तो फिर मुझ पे क्यों भड़क रहा है तू? शादी के माहौल में सब अपने अपने काम में मस्त है। मुझे और मेरी बेटी को कोई यहाँ देख तक नहीं रहा। अरे तू तो देख, मैं सही कह रहा हूँ ना? अच्छा तो ये बात है। बहना इधर आ। कही? हाँ, मैं अभी लेकर। कल हमारी क्या बात हुई थी? किस बारे में भैया? इसकी बेटी और तुम्हारे बेटे के बारे में। हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद आई। एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद इन दोनों की शादी की बात कर लेंगे, है ना बेटा? आशीर्वाद दीजिए मम्मी। खुश रहो, आओ मेरे साथ। तू क्या बोल रहा था? यहाँ पे टाइम पास क्या कर रहा है? बारातियों का स्वागत कौन करेगा? चल जल दे, मैं तो चला। माले माले, माले माले, माले आने। इसे पागल हो गया। माले माले। इसको कहाँ गाड़ना है? इसे लाए कहाँ से थे? आंगन से। तो वहीं रख दो। ठीक है। एक नंबर का डफर है। आइए समझिए, आइए। झूठ मुंह मस्का लगा रहा है। आइए इस तरफ से। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा भाई। इस तरफ से। अरे रुकिए। रेडी सर? पागल है क्या? मैं ऐसे रेडी नहीं होता। अरे तुम क्यों रुक गए? चालू रखो। मुझे निकालना है तो निकालना, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे तुम रुक क्यों रहे हो? देखिए मुझे डांट रहे हो। सब छोड़, मैं तेरी जान ले लूंगा, समझ क्या रखा है तूने मुझे? ए तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और तू क्या खड़ा है? फोटो खींच। ए रुक रुको, फोटो फोटो फोटो। चलो बैठो बैठो। चाची। बेटा ये फैमिली फोटो है, इसलिए तो श्री को लाया हूँ। हे मुझे जोकर मिला। बंटी आ जा बैठना। ए छी हट, छी पहले कहीं भी मुंह उठा के आ जा। ए मैं घड़ी नहीं पहनता, मेरी ड्रेस खराब करती। मम्मी अंकल, आंटी। तो उसको इतना परेशान क्यों करता रहता? क्योंकि इसे छेड़ने का आज आखिरी दिन है, इसलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आज शादी हो जाएगी, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे ना। अरे तुझे लंदन जाके मेरी बहुत याद आएगी, तू यही सोच रहा है ना राहुल? हाँ। जब तुम्हारा काम हो जाए तब दरवाजा बंद कर देना। हाँ ठीक है दादी। क्या हुआ राहुल, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बहुत गर्मी होगी, तुम जाओ जाओ। कहाँ ना जाओ, क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? लाओ मैं पहुँच देती। कल मैं लंदन चला जाऊंगा। जरा बात कर ले। जनरली लोगों को लगता है फॉरेन में पले बड़े लड़के कमीने होते हैं। वो यहाँ आते हैं, लड़कियाँ पटाते, उन्हें बाइक पर घुमाते, अपना काम निकालकर एक्स वाई जी फ्लाइट पकड़कर अपनी कंट्री वापस लौट जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा श्री, प्रॉमिस। श्री मैं लंदन जाकर मेरे डैड से बात करता हूँ, फिर यहाँ आकर तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, ठीक है ना?
छोड़ दो इसे, लग जाएगी, पागल हो गई होगी, छोड़ो इसे, छोड़ो। ए, बहुत हो गया, जाओ जाकर कोई काम करो। मुझे राहुल चाहिए, I love राहुल। बस करो, डॉली, सुनो मेरी बात, मैं उसकी मम्मी से बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात, डॉली, अरे मेरी बात सुनो। कहाँ ना जाओ, कोई आ जाएगा तो। मम्मी वो श्री। भैया, क्या करें आप? ऐसे लोगों से तो बच कर रहना चाहिए। इन लोगों का मकसद होता है किसी अमीर लड़के को फंसाना। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो वो राहुल को अपने जाल में फंसा लेगी। कुछ करना होगा हमें। बस करो। राहुल, ए पगले, तेरी मम्मी बुला रही है तुझे। या मॉम। यस मॉम। तुम्हें इसी वक्त ज्वेलरी शॉप जाना होगा बेटा। अभी शादी में लड़की को बुआ की तरफ से कंगन दिए जाते हैं, मैं ये बात भूल गई थी। जाओ तुम लेकर आओ। मुझे कंगन खरीदना कहाँ आता है मॉम? इसकी पसंद बहुत अच्छी है, इसे लेकर जाओ। ये लो पैसे। जल्दी कर, शादी से पहले वापस भी तो आना है। अच्छे से देख कर लेना, खरा सोना और सबसे महंगे वाले। चलो अब जाओ। चल ना। चल। अरे आंटी, चाय लेंगी क्या? कितने साल की हो तुम? 20 साल की हूँ। उम्र तो कम है पर दिमाग बड़ा तेज चलता है। चलो चलते हैं। सुनिए, चलिए बाहर चलते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे भैया हैं बस। अच्छे, और क्या करते हैं तुम्हारे भैया? खेती करते हैं। खेती करते हैं? हमारे पास गाय और मुर्गियाँ भी हैं, दूध भी बेचते हैं हम। और तुम अपने भैया से पूछकर इस शादी में आई हो? जी हाँ आंटी, मैं अपने भैया से पूछे बिना कुछ नहीं करती। और अपने भैया से पूछकर ही मेरे बेटे को फंसा रही हो ना? बोलती क्यों नहीं हो? अब क्या कहेगी बेचारी, सब के सामने इसकी जो पोल खुल गई ना। हे, सब लोग श्री की बेइज्जती कर रहे हैं, जल्दी जाओ वहाँ। मुझे लगा था बड़ी संस्कारी लड़की है, काम में इतना हाथ बटा रही है, लेकिन तुम तो कैरेक्टर लेस निकली हो। देखो तो जरा कैसे शराफत की एक्टिंग कर रही है। और नहीं तो क्या, कोई अवार्ड देना चाहिए इसे तो। क्या हुआ, क्यों इस पर इतना चिल्ला रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटी, हम यहाँ शादी की तैयारी में लगे हैं और ये छोकरी राहुल के साथ चोंच लड़ा रही है। अंकल जरा सोच समझ कर बात कीजिए, राहुल भी इससे प्यार करता है। इसकी चाल अच्छी तरह समझता हूँ मैं। अंकल। ललिता, ये बड़ों का मामला है, बीच में मत बोलो। पर डैडी। कहाना चुप रहो। अगर तुम में रत्ती भर भी शर्म है तो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से, निकलो ना, हुस्न के जलवे कहीं और बिखेरो। श्री। श्री भैया। देखा, मैंने कहा था ना जी भैया, मेरी बहन ज्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। देखा कैसे आगे बढ़ आई। अरे रो मत, तेरा भाई आ चुका है, चुप हो जा। ऐसे बच्चों की तरह कोई रोता है क्या? मत रो। कैसी हो मेरी छोटी बहना? देखो कितनी बढ़िया साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए, फेरों के वक्त यही साड़ी पहनना, ठीक है? ये ले बहना। अरे ले लो। नमस्कार जी, ललिता के पिताजी आप ही हैं ना? बचपन में देखा था आपको, आपके लिए रेशमी शॉल लाया हूँ, हमारे गांव में बनती है। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ कॉपी। ए बहना, सब ठीक तो है ना? अरे वाह, भोला बन रहा है, बहन के साथ भाई भी गजब का एक्टर है। सही कह रहे हो, मेरी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था और तुमने अपनी बहन को यहाँ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए भेज दिया। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? अच्छा, जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं तेरी चाल अच्छी तरह समझता हूँ, तेरी इजाजत के बगैर तेरी बहन बाहर तक नहीं निकलती तो अकेले किसी लड़के को फंसाने का प्लान कैसे बनाए? अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। जो सच है वो सच है। अगर तुझे पता चल गया ना कि वो यहाँ क्या गुल खिला रही थी तो तू खुद उसे उसके टुकड़े करके घर वापस ले जाना। भैया।
चाहिए। भैया यहाँ से चलते हैं। तुम्हारा ही सिक्का खोटा है और हमें तेवर दिखा रहे हो। गाय भैंस और मुर्गियों से घिरे रहते हो। दो कौड़ी के किसान हो तुम और कुछ भी नहीं, सिर्फ गोबर और मिट्टी में रहने की औकात है तुम लोगों की। इस जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी तक न बनाऊं। निकलो निकलो यहाँ से। अब खड़े क्यों हो? पहले ही ये यहाँ काफी गंदगी फैला चुकी है। जाओ ले जाओ इसे। बहना चल यहाँ से चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मेरे लिए तो श्री से कम नहीं, और तेरी शादी में मैं कोई विघ्न नहीं डालना चाहता, इसलिए चुपचाप जा रहा हूं यहां से। वरना एक एक को औकात दिखा देता। चलो बेटा। अरे ठूसना बंद कर और सारा सामान गाड़ी में रख। ये सब लोग गए कहाँ हैं? अरे बेटी जल्दी आओ, इन्हें वक्त की बिल्कुल परवाह नहीं है। संभल कर जाइएगा और पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। इसका ख्याल रखिएगा। माँ मैं राहुल को बाय बोल कर आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटा। सुनो राहुल, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तुम बस अपने दिल की बात सुनना और किसी की मत सुनना। शायद तुम गलत सोच रहे हो कि श्री तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली गई है। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे लिए अपना दिल छोड़कर गई है। जाकर उसके कमरे में देखो। आ जाओ बेटा, गाड़ी में बैठो। खिलौना बचपन से मेरे पास है, ये मेरी जान है, इसे मैंने कभी अपने से अलग नहीं किया। राहुल क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलाओ। आप जाइए मामा, मैं बस आता हूँ। कल हम लोग वापस जा रहे हैं बेटा, फ्लाइट की टिकट्स आ चुकी हैं। जो वादा किया था वो याद है ना? याद है मां, याद है। सब कुछ अच्छे से हो गया, बस उस लड़की ने बहुत नाटक। अरे जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। मेरी बेटी को देखो, मुझे यकीन है वो उसे मना ही लेगी। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? स्माइल करो ना। पियोगे? ए, हटो ना, दिखता नहीं हम बात कर रहे हैं। बड़ी आई। मैं समझ गई तुम क्यों दुखी हो। उस लड़की के बारे में इतना क्या सोचना, वो आई और वो चली भी गई। शी वाज जस्ट टाइम पास। पूरी जिंदगी तो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी है ना? क्या तुम मेरा इंतजार कर पाओगी? बिल्कुल। कितने दिन? जितने दिन तुम कहो उतने दिन। दो साल इंतजार कर लूँगी। ओह श्योर। और दस साल? हाँ। सौ साल? ये तुमसे नहीं होगा डॉली, पर श्री ये कर सकती है। और हाँ, टाइम पास श्री नहीं है, तुम हो। तेरा काम है इश्क करना, ये ना सही कोई और सही। मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, मेरी तरफ तो देख सही। उसकी बातों को सीरियसली मत लो बेटा। उसकी माँ के सामने ना उसकी चलती है ना उसके बाप की। अगर उसने वादा किया है तो पूरा करेगी। मुझ पर भरोसा रखो बेटी, राहुल की शादी होगी तो डॉली से ही होगी। Thank you.
मालिक ने मुझे बताया कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। पैसे वालों की ना बुद्धि ही भ्रष्ट होती है, वो ना सबके सब बहुत ही मतलबी होते हैं। मेरी वजह से भैया की बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं डांटा, ना मुझसे पूछा क्या हुआ। तुम तो अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो, तुम दुखी रहोगी तो उनको भी ज्यादा दुख होगा। मेरी बात मानो, वहाँ जो हुआ वो सब भुला दो। उन बलों को मैं नहीं भुला सकती, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। What? राहुल ने फ्लाइट नहीं पकड़ी? साथ में ही था, दुबई से कहीं गायब हो गया। अरे लेकिन ऐसा क्यों? दुबई से जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसमें बैठा ही नहीं वो, धोखा दिया उसने मुझे। What nonsense? धोखा क्यों देगा? क्या हुआ है वहाँ? प्यार हो गया उसे। प्यार हो गया? हाँ। I don't believe. ओम पित्रो गणाय विदेहि जगत धारणीय धीमहि तनो पित्रो प्रचोदयात। ओम देवता भय पितृभ्यश्च महायोगी भय एवच्च नमो स्वाहाय स्वाधाय। दीदी मुझे बताओ, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो दिखता कैसा है? मुंह बंद रखेगी, रंग गोरा है क्या? ये श्राद्ध किया जा रहा है, मूछ नहीं और बिखरे बाल, उसके बाल जैसे चिड़िया का घोंसला। दोनों कंधों को स्पर्श कीजिए, ये लीजिए। हेलो सर, आप अर्पण कीजिए। इसके बाद ना स्टेशन मास्टर, ये भी अर्पण। ये कौन है? माता का नाम लेते क्या भाई? आप जल्दी ट्रेन में बिना टिकट के। टिकट है मेरे पास। माता की आत्मा को शांति मिले इसकी प्रार्थना कीजिए। यजमान गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें, जब तक वो जले तब तक ओम पितृ देवता भयो नमः का जप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। अब आप ये प्रसाद गौ माता को खिलाइए। लीजिए यजमान। नीचे प्लेट है, संभल के। अरे तुम ये रख के आओ ना, जाओ। एक्सक्यूज मी सर, आपके सामने खड़े रहने से भी डर लग रहा है। पता नहीं आपको गुस्सा आ गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सर। वो मैं ही हूँ जो आपकी बहन से प्यार करता है, मेरा नाम राहुल है। दरअसल हुआ यूं कि सर 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 वो बहुत अच्छी लड़की है सर, और सच कह रहा हूँ सर, वो लड़कों को देखती तक नहीं है, और आपने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है रियली। और सर आपको पता है मुझे भी कितने पापड़ बेलने पड़े उसे पटाने के लिए। ये सब इंग्लिश में कहता तो इतना चीप नहीं लगता सर, लेकिन आपको इंग्लिश आती नहीं है ना, इसलिए जो समझ आया बोल दिया। मेरे परिवार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत गलत किया। आपने जो किया बिल्कुल सही किया सर, आपका श्री को वहाँ से ले जाना बिल्कुल जायज था। उन्होंने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारी कैसेट खत्म हो गई क्या? शायद मैंने ठीक से नहीं समझा, लेकिन मुझे कहना इतना ही था। चला आजा। अरे शिवा, अंदर क्यों जा रहे हो? जो बात करनी है यही कर लो। अरे क्या कह रहे हो, ये मुझसे प्राइवेट में बात करना चाहते होंगे। आइए सर, आइए। ये देखो, खुद ही आफत को गले लगा रहा है। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे नहीं हो, आप अच्छे दिल के हो। ये क्या, इतना सन्नाटा क्यों है? तूफान के आने के पहले की शांति है, अब देखना क्या होता है। ए गोपी भैया, इस कूड़े को गांव के बाहर फेंक दे। ए, तेरी बहन उससे प्यार करती है, वो उससे प्यार करता है, गांव से निकालने पर समस्या निपट जाएगी क्या? वो एक लड़की है बेटा, अपने भाई से प्यार की बात खुलकर कैसे कहे, तू भी बताओ। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे मेरी माँ का दर्द याद आ गया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेरे बाप ने मेरी माँ के मुंह पर नोटों के बंडल मारे थे। मेरी माँ का दिल टूट गया और वो चल बसी। नहीं चाहिए मुझे, मुझे पैसे वाले लोग नहीं चाहिए। वो किसी के सगे नहीं होते, बदल जाते हैं वो। श्री के कुछ आंसू बहेंगे लेकिन मैं झेल लूंगा, लेकिन उसका हाल मेरी माँ जैसा नहीं होगा। अब कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। रुको, वो सिर्फ बैग लेने आया है। बिल्कुल नहीं, मैं श्री को लेने वापस आया हूँ। ए शिवा, शिवा, रुको। ए नहीं सर, हम दोनों को अलग मत कीजिए,
आप इसे जितना प्यार करते हैं उससे कई ज्यादा मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं इसके लिए अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैं अपने प्यार पर आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे क्या करना होगा बताइए। मास्टर जी, इसे कहिए यहाँ से चला जाए। फांसी पर चढ़ने वाले की भी एक आखिरी इच्छा होती है सर, मेरी भी एक है। लगता है तू ऐसे नहीं। इतने गुस्सा किस बात का? तेरी बहन तुझे माँ की याद दिलाती है। बचपन में तू भी इसी तरह जिद्दी था, बिल्कुल ऐसे ही। इस लड़के की तरह तूने भी एक मौका मांगा था, भूल गया तू? अगर उस दिन तुझे मौका नहीं मिला होता तो आज तू यहाँ होता? तो इसके साथ ऐसा सुलूक क्या ठीक है? ए बहन, अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही लोगी या मैं कुछ कहूं? आपकी भी सहमति चाहिए। सर, आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। मेरी कुछ शर्तें माननी होगी तुझे। सब मानूंगा सर। खेतों में काम करना होगा। मैं तुझे पूरी एक एकड़ जमीन दूंगा, उसमें जितना अनाज मैं उगाता हूं उतना तुझे उगाना होगा। भैंसों का दूध दोना, गायों को चारा देना, घोड़ों की मालिश करना, उनका गोबर साफ करना। बोल, कर पाएगा? ए शिवा, ये सब कैसे करेगा? ये सब करना होगा, करना होगा। अपना घर बार छोड़कर आना काफी नहीं है, इसे किसान की जिंदगी जीनी होगी। अगर इसे मेरी बहन से शादी करनी है तो जिसका अपमान इसकी माँ ने किया था वो किसानी इसे करनी होगी। मैं करूंगा सर, आपने जो कहा वो सब करूंगा। आपसे भी ज्यादा अनाज उगा कर दिखाऊंगा मैं। ए, अरे तो क्या करूं? इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं श्री को इनसे भी ज्यादा प्यार करता हूं? ये कंप्यूटर जैसा आसान नहीं, मेहनत का काम है। सर, प्यार करना ना आसान होता है, अब निभाने की बारी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर नहीं कर पाया तो भूल जाना मेरी बहन को और लौट जाना अपने शहर लंदन। अब से तुम्हें यही सोना है, सुबह जल्दी उठाने आ जाऊंगा। कूल डाउन राहुल, कूल डाउन। दामाद का स्वागत को इनसे सीखे। एक्सक्यूज मी बेटा। Oh my God! उठो राजकुमार। आप रात बदबू की वजह से काफी देर से। कॉफी लोगे क्या? दूध। दूध चाहिए? ले ले पी। क्यों बेटा, कैसा लगा दूध का स्वाद? ये ले, जा और जाकर तबेला साफ कर। एक्सक्यूज मी मैडम। ऐसा क्या खाती हो? हे भगवान, ओ शिट। अरे रे रे रे, लगता है गलत नल खोल दिया।
इस खेत में बीज बोने हैं, हल चला। ट्रैक्टर का है? इधर ट्रैक्टर वैक्टर नहीं है, सीधा हल चला। हाँ? कैसे? ऐसे। अरे भैया, मुझे तो लगा था ये दो चार दिन के लिए टिक जाएगा, पर अब तो लगता है कि ये आज ही भाग जाएगा। ये ले, खाना खा ले। गुड, कलरफुल। ये ले, ले पी। कल पहली गाड़ी लेके निकल जा, क्यों इतनी तकलीफ सह रहा है? पागल लड़का है। कल भी यही खाऊंगा। क्यों सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के जा रहे हो ना? अब तो श्री को लेके ही जाऊंगा। पहले जब मैंने शिवा से पूछा तो उसने कहा बहन आए फिर बात करते हैं, अब इसके जाने का इंतजार ना करना पड़े हमें। आप एक बार पूछ लो ना पापा। उसमें पूछना क्या है, तुमने उस शहरी लड़के को देखा है? अगर उसकी गुगली चल गई ना तो तुम्हारा पता कट। ए! हाँ हाँ हाँ, रास्ते में आए उस कांटे को जल्द उखाड़ फेंकेंगे, तो इसकी बातों को दिल पे मत ले। आ जा मुन्ना। हाँ।
हेलो, यहाँ शिवा कहाँ रहता है? शिवा के बारे में पूछ रहे हो? वैसे आप हो कौन? राहुल के पिता हैं। राहुल का पिता है? लगता है ये राहुल वही लड़का है जो शिवा के यहाँ काम करता है। हाँ याद आया, वही लड़का ना जो गोबर साफ करता है। मेरा बेटा गोबर साफ कर रहा है? वो आपका बेटा है क्या? तो जरा तसल्ली से बैठो और उसकी पूरी राम कहानी सुन लो। ए, कोई है घर पे? कोई है क्या? कौन है? ये वही है। दूर क्यों नहीं हो? तुम ही हो ना जिसने मालदार लड़का फंसाया है। उस मालदार लड़के का बाप मैं हूं। मेरे सामने अपनी आंखें नीचे करो। जाओ अपने भैया को बुला कर लाओ। श्री, कौन है? शिवा तुम्हारा ही नाम है? हाँ है तो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राहुल का पिता हूँ। अपने सुपुत्र को ले जाने आए हो? नहीं नहीं, तुम्हारे गले मिलने और तुम्हारी आरती उतारने आया हूँ। देखिए बदतमीजी, घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं करता। ये तुम जैसे जलील लोगों के साथ आए, मेहमान नवाजी क्या खाक करूं? तेरी मेहमान नवाजी मुझे चाहिए भी नहीं, और उसका मतलब भी जानता है तू? इसने मेरे बेटे को नौकर बना रखा है। डू यू नो हिम? लंदन के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक इकलौता बेटा है वो। क्या मैं उसकी चंपी करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम यही रुको, देखो मैं उसे कैसे वापस ले जाता हूँ। हाँ तो ले जाओ। अबे अबे, तो फिर इतने दिनों से तुमने उसे बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ था? मैं जानता हूँ तुझे उससे बदला लेना था। जबान को लगाम दे। उस दिन मेरी बहन समान ललिता की शादी थी, इसलिए खामोश था, लेकिन आज अगर कुछ भी उल जलूल बका तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके खेत में गाड़ दूंगा मैं। तू धमकी किसे दे रहा है? ये पैसा फेंक कर यहाँ पर पुलिस बुला सकते हैं और तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो पुलिस के आने के बाद होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके चील कब्बों को खिला दूंगा। तू मुझे काटेगा? तू चल काट, काटना, कम ऑन किल मी। तुझे ये क्या है बेटा? आप यहाँ क्यों आए डैड? कमाल है, ये तुम्हारे लिए लंदन से आए हैं और तुम पूछते हो क्यों आए? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, मेरा दिल रोए जा रहा है। देखो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। तुम दोनों जा सकते हो। What is this, Rahul? I'm shocked. एक लड़की के लिए तुम अपने फ्यूचर की कुर्बानी दे रहे हो? No, no. I won't let this happen. चलो वापस लंदन चलते हैं। Sorry, Dad. राहुल, तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हें लंदन आना ही होगा। देखो मैं तुम्हारा डैडी बाद में, दोस्त पहले हो ना। Am I not your close friend? Close friends प्यार को मिलाने में मदद करते हैं, Dad. अरे क्या झकास डायलॉग मारा है अंकल, कोई जवाब है क्या? क्या रे, तू उनके साथ वापस क्यों नहीं गया? जैसे आपका इकलौता बेटा है, मेरा भी इकलौता दोस्त है। बेटा, एक बाप के तौर पे पूछ रहा, अगर तू हार गया तो? एक बाप अपने बच्चे की हार भला क्यों चाहेगा? क्या होगा अगर तू इस चैलेंज में फेल हो गया तो? Answer my question. आप कुएं के ऊपर बैठे, अगर गिर गए तो? मेरे पास सपोर्ट है, नहीं गिरूंगा। मैं भी नहीं हारूंगा, मेरा प्यार मेरा सपोर्ट है। ए, प्यार में पागल हो गया तू? अरे तू पागल हो गया है। आपको पैसों ने पागल कर दिया, कभी मैंने ऐसा कहा था डैड? क्या बात कही अब्बा? तुझे इसमें क्या समझ आया? कुछ भी नहीं समझा, मैंने तो बस यूं ही तारीफ कर दी। लो भाई, यहाँ तो सभी उच्च विचार वाले लोग पैदा हो गए। खा ले। समझ में नहीं आता इसकी जरूरत क्या है। बनी बनाई दौलत त्याग कर तू यहाँ चावल खा रहा है। सच तो ये है कि सबका भाग्य उनके जन्म से ही माथे पर लिखा होता है। जब तक है मजे करो यार, कल किसने देखा है? सुन रहा है कि नहीं? हाँ, उसके पास काम तो है। ए बंटी, हाँ। कुछ लोग पूरी जिंदगी मशीनों की तरह काम करते हैं, करोड़ों अरबों कमाते हैं और खुद को दूसरों से बेहद भाग्यशाली समझते हैं। अफसोस, वो ये नहीं समझ पाते कि प्यार से बड़ी दौलत कोई नहीं है। जब तक उन्हें ये पता चलता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। आप समझ गए अंकल, या मैं रिपीट करूं? बस प्यार का भूत सवार है इस पे, और क्या फायदा इस सबका? ये सब करेगा तो मजदूर के बाद इसका नाम आएगा क्या? ये कोई भी कर सकता है, बैठ के खाना ही तो है।
मुझे खाने को कह रहा है। अच्छा, बाप से होशियारी करता है। सावधान कौन बोला? लगता है टॉयलेट आ गई है। लगता है पूरी तरह से जल गई है। थोड़ा पानी लाओ क्या अंकल? हम तो पानी लाए। ये लीजिए। तू ये क्यों खा रहा है? इससे तो जान चली जाएगी तेरी। तुझे इस सब की आदत नहीं है बेटा। क्या रे, प्यार के लिए कुछ भी बर्दाश्त करेगा? इतनी ताकत है तेरे प्यार में? अगर मेरे प्यार में ताकत ना होती तो मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं, और ना आप मेरे लिए लंदन से यहाँ आते। इसे इसका प्यार मिल जाएगा ना अंकल? मुझे मंजूर नहीं। मुझे गर्व है इस पे जो एक लड़की के लिए इसने सब कुछ त्याग दिया, पर वो लड़की खुद तो महारानी की तरह महल में रहती है। मुझे वो स्वीकार नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं। आप गलत सोच रहे हैं। आप कौन? मैं आप जैसा कोई अमीर आदमी नहीं हूं। इस गांव के छोटे रेलवे स्टेशन का एक छोटा मामूली स्टेशन मास्टर हूं। आपको दुख हो रहा होगा कि आपका बेटा प्यार के खातिर बहुत कुछ सह रहा है, लेकिन वो लड़की भी बहुत कुछ सह रही है। जी साहब, आपका बेटा जमीन पर सोता है, इसीलिए दीदी भी जमीन पर सोती है। अपने प्यार के लिए वो भी मजदूरों की जिंदगी जी रही है। आपको लगता है कि वो बहुत पुराने ख्यालात की है? हाँ बिल्कुल है, वो बहुत पुराने ख्यालात की है, इसलिए रोज मंदिर में जाकर उसकी सफलता की कामना करती है वो। इसका ऐसे ही ख्याल रखना, तुम्हारे प्यार का प्रतीक है ये। मेरा लाडला बेटा राहुल डॉलर्स में डिनर करता था, पाउंड्स में ब्रेकफास्ट। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेहनत करना किसे कहते हैं। मैंने ही बिगाड़ा उसे। उसके शरीर पर मिट्टी की खुशबू सूंघकर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे याद आया कि ये तो मेरे देश की मिट्टी है, जिसकी कीमत समझे बिना मैं सालों पहले इस देश को छोड़कर चला गया। मेरे बेटे ने और उसके साथ साथ मैंने भी इसकी कीमत समझी तुम्हारे प्यार की वजह से। हैट्स ऑफ। खुश रहो। आपका फैसला सरासर गलत है। मेरी बहन नहीं मानेगी। ऐसा ना हो कि आप दोनों में अनबन हो जाए। हाँ हाँ, सही कह रहा है ये। मैं भी नहीं चाहता कि आप में और बहन जी में कोई झगड़ा फसाद हो। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी कमजोरी मैं जानता हूँ, हमेशा फालतू लोगों की बातों में आ जाती है। मैं आज लंदन जा रहा हूँ, उसे कैसे मनाना है ये मुझ पर छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? चल, इसका क्या होगा अब? तेरी बहन ने वादा किया था, इसलिए मैंने सबको बता दिया। लोग रोज पूछते हैं शादी कब है। मेरी बेटी तो जोगन बन गई है, हालत देख तू। अरे तू चुप रह, मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ। वो अपने पति की बात नहीं मानेगी। तुझे यही डर है ना कि राहुल उस लड़की से शादी करेगा? कैसे करेगा? उसके लिए पहले उसे चैलेंज जीतना होगा, और शिवा के होते हुए राहुल कभी नहीं जीत पाएगा। उसकी हार तो पक्की है। एक बार फिर से कहना जरा। राहुल की उस लड़की से शादी नहीं हो सकती। सबके खेतों में बीज उगे हुए दिख रहे हैं, बस मेरा ही खेत बंजर पड़ा हुआ है।
मेरे खेत में भी फसल लहराएगी। ये ड्राइवर चलो। हेलो दीदी, कैसी हो दीदी? दीदी एक प्रॉब्लम हो गई है। समझ लो आपका बेटा हाथ से निकल गया। वो शिवा की बहन है ना, वो आपकी बहू बनेगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जो आपने वादा किया था वो आप निभाएंगी, लेकिन बताइए मैं क्या करूं? दीदी बोलिए ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? दीदी हेलो, आपने फोन काट दिया क्या? अब मैं क्या करूं बताइए तो सही। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं एक बार आपको जुबान दे चुकी हूँ, अब कभी नहीं मुकर सकती। चाहे वो कुछ भी कर ले, पर होगा वही जो मैं चाहती हूँ। भाई साहब मैं क्या करूँ? आप कुछ भी करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए, मुझे मेरा राहुल चाहिए। दीदी आपसे सिर्फ एक बार ये सुनना चाहता था, अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ भैया। क्या कर रहे हो? पानी बहने के लिए रास्ता बना रहा हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसा? ताकि बारिश से फसल खराब ना हो, खेत में पानी चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तेज हवाएं चलने से बारिश वारिश नहीं होती, जाए यहाँ से। लग तो रहा है बारिश हो। इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और तू मुझे सिखाएगा? हवा का रुख देख के समझ जाता हूँ कि बारिश। गोपी, हमारे खेत में भी जल्दी से नाली बनाओ। फिक्र मत कीजिए, आपके खेत में मैंने पहले ही बना दी है। अब खामखा भीग रहे भैया, मैं संभाल लूंगा। ए, शिवा, शिवा यहाँ क्यों सो रहा है? कुछ नहीं, बस चिंता के मारे थोड़ा मन उदास हो गया था। ये खबर सुनकर तू झूम उठेगा, श्री फर्स्ट क्लास पास हुई है, पता है? क्या? आप सच तो कह रहे हैं? अरे बहना, खूब पढ़ लिख के आगे बढ़ो, इनके भी आशीर्वाद लो। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जिस लड़के से तू प्यार करे उसी से तेरी शादी हो। अब खुशी में गलती से कुछ निकल गया। गुस्सा क्यों कर रहा है? जा मेरी बेटी को जल्दी से एक तोहफा दे, जा लेके आ। ये अच्छा मौका है दीदी, कंगन चाहिए या झुमके चाहिए? जाओ मांग लो, जो चाहिए मांग लो। क्या चाहिए बता? कुछ अपने लोगों को हम खाने पे बुला सकते हैं क्या? सिर्फ अपनों को क्यों बहना, पूरे गांव को बुला लो। भैया। हाँ बोलना बहना। क्या खाने पे हम राहुल को भी बुला सकते हैं? सब में वो भी तो आ जाएगा, बुला लो। आसानी से हाँ बोला है, जरा संभल कर। तुम्हारे भैया आ रहे हैं। जितना चाहिए उतना ही लो, छोड़ना नहीं। दो और रखिए ना, और दो मिल सकते हैं क्या? ए, गाय भैंसों को भी भूख लगी होगी, उन्हें घास डालो। ये आवाज इस मुंह से आ रही है, उनकी नहीं है। उनका मतलब आपसे ही था, आपको ही भैंस कह रहे हैं। कहीं गिरा मत देना, जरा संभाल कर परोसो।
तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। किस लिए? काफी दिन बाद मैं पेट भर कर खा रहा हूँ। तुमने सबको इसीलिए बुलाया ताकि मुझे अच्छा खाना खाने मिले, है ना? मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी क्या? तुम तो पास होगी, मेरा पास होना बाकी है। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार भैया, मैं हूँ दादा, डेंजर दगड़ू दादा। यहाँ के बुड्ढे जब मेरे नाम सुनते हैं तो उनकी हड्डियाँ कड़क कड़क कड़क। मालूम है, मैंने पूछताछ करके रखी है। आसपास के सारे गांवों में मैंने जिससे भी पूछा उसने तुझे ही खतरनाक बताया। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, किसी को खल्लास करना नहीं, है क्या? मेरी बेटी है ना, काट डालूं? बात सुन ले मेरी, मेरी बेटी को किसी से प्यार तो उसे है। काट डालूं? काट डालूं के अलावा तुझे और कुछ नहीं आता क्या? पैसे के लिए तुझे भी काट दूंगा। बिल्कुल सही आदमी पकड़ा है, अब चल। ओह, तो मुझे उसे नहीं उसकी फसल काटनी है। हाँ सही बोला, तो बताओ ये कैसे करेंगे? मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, 1 लीटर डालोगे फसल दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 2 लीटर डालते ही सारी फसल खल्लास। सही है। अरे हाँ, लेकिन इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कर। ओ, सब बर्बाद कर दूंगा। ए, हाँ भाई। मिक्स हुआ या नहीं? हो गया भाई। मेरी शादी में आए हो? अरे हाथ पे चलाओ। मटर बिरयानी में लगता है मसाला ज्यादा था, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। ये आवाज आपके पेट की नहीं, स्कूटर की है। अरे कोई आ गया, छिप जाओ। पता नहीं कौन है वो भाई। मुझे भी नहीं पता ये कौन है। भाई सेम ब्रांड। इंसान को चैन से सोने भी नहीं देते, क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे हट जाओ, जल्दी 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 करो, इधर आओ,
चलो जाओ जाओ। जाओ जाओ चले जाओ चले जाओ जाओ चले 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 दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जल जाते तो ऐसा क्या है इस बक्से में? अरे क्या है इस बक्से में? बात है, बहुत अच्छा काम किया। कह रहा था कि पैसों के लिए तो ये मुझे भी खत्म कर सकता है। अरे क्या सोच रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पैसे मुझे देकर किसी और को क्यों भेजा आपने? वो चोमू चश्मे वाला गुंडा कौन था समझ में नहीं आ रहा। चलता हुआ कंबल फेंका था मेरे ऊपर। तू यहाँ बैठ के सोचता रहे, मैं अपना काम किसी और से करवा लूंगा। अरे क्या कर रहे हैं, फसल बर्बाद करने का फालतू आइडिया आपका था, इसलिए काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार आइडिया मेरा होगा, काम नहीं हुआ तो मुझे मुड़वा लूंगा, भरोसा कीजिए ना प्लीज। लेकिन इस बार काम नहीं हुआ ना तो देखना। चल 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 चल। पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। श्री बेटा, श्री बेटा, गौरी कहाँ चले गए सब लोग? फसल काट ली है और उसे इकट्ठा भी कर दिया, कल अनाज अलग होंगे, वही हमारी किस्मत तय करेंगे। टेंशन हो रही है क्या? टेंशन तो मुझे भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, जोश जोश में कह तो दिया था आपसे भी ज्यादा अनाज उगा कर दिखाऊंगा मैं, लेकिन ज्यादा भूल गया ना। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। सुनो ना श्री, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे आदमी है, उनसे प्लीज कहो ना कि अगर मैं हार गया तो मुझे इस घर से ना निकालें, मैं एकदम मन लगा के काम करूंगा, उनके लिए इसी तरह खेती करूंगा। मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता, ये तबेला, ये मिट्टी, ये गाय, ये भैंस, तुम्हारे भाई का गुस्सा, ये सब की मुझे आदत हो गई है, ये सब मुझे अच्छा लगने लगा है श्री। शांति का प्रतीक। सुन सुन, ये फसल उस लड़के की है, इसमें से थोड़ी सी फसल निकाल के शिवा के फसल में मिला देंगे, इस तरह वो लड़का हार जाएगा। आपका दिमाग बड़ा तेज है भाई, नजर लगाता है तेरी तो। चल काम कर। अरे बाप रे, टूट गया।
झाड़ी, इसमें छिप जाता हूँ, पता भी नहीं चलेगा। भैया मैं गायों को चारा खिलाना भूल गया था। भाई उस दिन आपको पीछे से जला दिया और आज आपको आगे से भिगा दिया। क्या तेरा काम हो गया? हो गया भाई। वजन करके देखा तूने? जाके और मिला उसमें। अबे जाना। कल तो तू ही हारेगा बेटा राहुल। ये इतने सारे लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसकी जीत हार से हमें फर्क पड़ता है, इनसे क्या मतलब? अरे पूरा गांव चाहता है कि वो लड़का जीते। हाँ। अरे चलो भाई चलो जाओ। हाँ, हाँ। चलो पापा जाके देखते हैं। हाँ। यहाँ क्यों आया है? अनाज वजन करने की जगह मंदिर में पूजा करने आया। खुद को जिता रहे या उस लड़के को? राहुल के नाम का अभिषेक अब पूरा हुआ है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। वो जीते ना जीते आज तुम्हारा दिल जरूर जीत लिया। फिर मेरा दिल जीतना काफी नहीं, चुनौती भी जीतनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों की शादी नहीं करवाओगे? मुझे विश्वास है वो नहीं हारेगा। मेरी बहन के मिट्टी के खिलौने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर वो चुनौती हार गया तो माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसीलिए मैंने उसके अनाज पर एक नजर घुमाई और मुझे वो कम लगा, और उसे जिताने के लिए मैंने अपने अनाज में से थोड़ा अनाज उसके अनाज में मिला दिया। तू पढ़ा लिखा नहीं है पर दुनियादारी की समझ है तुझे। जा उसकी जीत के लिए एक नारियल चढ़ा। लंदन में बैठी समधन जी को क्या जवाब दूंगा? तेरे सड़े हुए प्लान ने सब बिगाड़ दिया। इस बार प्लान मैं बनाऊंगा, बस पुलिस में मामला ना जाने पाए इसका ख्याल रहे। सड़ा हुआ नारियल। श्री मैं जीत गया, श्री मैं जीत गया, मैंने भैया से 2 गोनी ज्यादा अनाज उगाए। ए रुक, हे
ए दूल्हे चल बाहर आ। मैं तेरे भाई की बचपन से मदद करता आ रहा हूँ, फिर भी तेरी शादी मेरे बेटे से वो करवाने को राजी नहीं हुआ, इसीलिए जबरदस्ती करनी पड़ रही है। ए पहना मंगलसूत्र। उसे वापस कर। ए फट यहाँ से। तुझे क्या लगता है तू मंगलसूत्र पहना देगा और उसके बाद जिंदा रहेगा? इसके भाई को भनक भी लगी ना तो तेरी जान ले लेगा। ए वो यहाँ आकर हमें मारेगा तो क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी है? आकर क्या, वो तो यहाँ कब का आ गया है, देखो पीछे देखो। दीदी भागो। ए, ए, अरे भाग रहे उसे क्या उसने। इस तरफ दीदी। किस तरफ गई होंगी वो? उस तरफ से कोई आवाज आ रही है भैया। चलो 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 उन्हें देखो यही कहीं होंगे। ऊपर चढ़ो चलो। भाग के कहाँ जाएगी? अब सच बता रहे हो? रिहाई से एक दिन पहले पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम अपने घर वालों से नहीं मिले।
तो मैंने सोचा तुम बहुत बड़े मुजरिम हो, कभी सोचा ही नहीं कि एक बेगुनाह सजा काट रहा है। सुनो भाई, ये बलिदान जाया नहीं होगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, देख लेना कल सुबह तुम खुशियों का सूरज देखोगे। इन्हें 5 सालों में शादी के लिए कई मुहूर्त मिले, पर ये तुम्हारी गैर हाजिरी में शादी नहीं करना चाहते थे। इन दोनों को आशीर्वाद दो। शिवा बाबू, तुम्हारी कहानी सुनकर सोच रहा था कि किस्मत वाली होगी वो बहन जिसका तुम जैसा भाई है, और ऐसी बहन मिली, तुम भी नसीब वाले हो। आप मुझे भूल गए सर। मैंने इसे आने के लिए नहीं कहा, ये अपनी मर्जी से आई है। Hey!